नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने अपने मुंह के अंदर हवा भरनी है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू होल्ड योर दैट ब्रेथ फॉर लाइक 5 to 10 seconds एंड फिर आप रिलैक्स करते हैं. यू हैव टू डू इट लाइक दिस. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर गंजासकर और आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम फेशियल एक्सरसाइजेस जो करते हुए और जिनकी मदद से आप अपने जो फेशियल फैट है, जो चबी चीक्स हैं और डबल चिन हैं, उन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप उन फेशियल एक्सरसाइजेस को रूटीन रेगुलरली करेंगे तो, ठीक है. एंड साथ में अपना पानी का कंजम्पशन आपने ज़्यादा रखना है, बिकॉज जिस तरह से आपके बॉडी के मसल्स को ज़रूरत होती है टू गेट टोन्ड, एंड अगर आप मोटे होते हैं तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. द सेम इज़ द थिंग विद योर फेस, ठीक है. फेस को भी टोन अप करने के लिए यू हैव वर्कआउट फॉर योर फेस. जैसे कि हमें अपने बॉडी के ऊपर से फैट उतारने में या अपने बॉडी के मसल्स को टोन अप करने में उनके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, वेट लिफ्टिंग करनी होती है टू टोन अप दोज मसल्स, ठीक है. और फिर जब हम बॉडी के मसल्स को लाइक उस फेज में लेके जाते हैं तो उससे पहले हमें वार्म अप करना पड़ता है फॉर आर बॉडी ओवरऑल मसल्स. तो सेम इसी तरह आपके फेस पे भी बहुत से फेशियल मसल्स हैं जिनको टोन अप होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है. उनको आप उन हरकत में लेकर आएंगे तो फिर ही वो आपको एक स्लिमर और फेस लुक आएगा आपका फेस का. अदरवाइज अगर वो यूज़ ही नहीं होंगे, लाइक कब यूज़ होते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो इर्द गिर्द जो आपको ग्लैरस वायरस है वो मसल यूटिलाइज हो रहा होता है, बट ओवरऑल भी तो हमारे फेस के मसल्स है ना, एंड वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज मसल्स. सो वट हाउ कैन वी यूटिलाइज दोज मसल्स और फिर उनको उनकी मोबिलिटी करके, ठीक है, उनकी टोनिंग अप करके तो हमारा जो फेस पे बहुत ज़्यादा फैट होता है और जो बहुत लोग सुबह उठ के होते हैं बहुत ज़्यादा पफी फेस हुआ होता है. एक तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सैचुरेटेड फैट्स हम लोग खाते हैं which contains sodium and when there is an increased intake of sodium तो वो absorb करता है आपकी water को which leads to puffiness on your face. and कुछ लोग वैसे ही obese होते हैं तो उनका face भी उसके साथ ही होता है. कुछ लोगों का मुँह नहीं होता इतना मोटा लेकिन overall body होती है. so these are all kind of like obesities, ठीक है. तो अब आप facial जो फैट है, फेस का फैट है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं बाय डूइंग सम फेशियल एक्सरसाइजेस विच आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ. तो जो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज वार्म अप. हमने अपने फेशियल जो मसल्स हैं उनको वार्म अप करने हैं. आपने प्रोनाउंस करने हैं अल्फाबेट्स ए ई ओ आई ए ई ओ आई ए ई ओ, ठीक है. ये जो आपने अल्फ़ाबेट्स है आई ए ई ओ इनको प्रोनाउंस करना है लाइक फॉर 20 times, ठीक है, ताकि आपके जो फेशियल मसल्स हैं बिफोर स्टेपिंग टू वर्ड्स द एक्सरसाइजेज हम उनको मसल्स को वार्म अप कर लें. देन जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने टूवर्ड्स सीलिंग देखना है एंड देन हमने किस करना है, ठीक है, सीलिंग की तरफ देख के. एंड वी हैव टू होल्ड दैट किसिंग पोस्चर फॉर लाइक 5 seconds, ठीक है, लाइक इन दिस वे. इससे आप देख सकते हैं कि आपके ये सारे नेक के जो मसल्स हैं इन पे स्ट्रेच होगा एंड यू विल ऑब्वियसली फील द स्ट्रेच. तो आपने ये वाली जो एक्सरसाइज करनी है ये 20 times करनी है. यू हैव टू होल्ड योर लिप पोजिशन फॉर 5 seconds. कोशिश करें हर जो फेशियल एक्सरसाइज है ये आप 1 minute तक करें, तो 1 minute में जितने भी रिपीटेशन होंगे दैट आर वेल एंड गुड. जो हमारी सेकेंड फेशियल एक्सरसाइज है दैट इज टाउन टर्निंग एंड यू हैव टू डू इट लाइक दिस. पहले 30 seconds हमने क्लॉक वाइज एंड देन 30 seconds एंटी क्लॉक वाइज आपने अपने टंग जो है उसको रोटेट करना है इन साइड योर माउथ एंड यू हैव टू डू दिस फॉर लाइक 1 minute. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने अपने मुंह के अंदर हवा भरनी है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू होल्ड योर दैट ब्रेथ फॉर लाइक 5 to 10 seconds एंड फिर आप रिलैक्स करते हैं. यू हैव टू डू इट लाइक दिस.
ठीक है, इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है, आपके जो सारे फेशियल मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व करेगा एंड इट्स वेरी गुड फॉर द चबी चीक्स। इनके करने के बाद आपने फेशियल मसाज करनी है अपनी फॉर 1 मिनट लाइक दिस, क्योंकि ये आप जब करेंगे कंटिन्यूस लाइक फॉर 1 मिनट तो आपका फेस बहुत ज़्यादा थक जाएगा, सो यू नीड दिस थिंग। और हम उन सारे मसल्स को यूज भी कर रहे हैं, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये आपने 1 मिनट तक अपना फेशियल मसाज करना है। देन द अदर एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू स्क्वीज योर चीक्स इनसाइड एंड देन यू हैव टू होल्ड इट फॉर लाइक 5 to 10 seconds एंड रिपीट दिस फॉर अप टू 1 मिनट लाइक दिस। ओके, मतलब इस तरह से आपने अपने चीज को अंदर की तरफ स्क्वीज करके उसको होल्ड करना है फॉर 5 to 10 seconds और ये 1 मिनट तक एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, उसमें आपने क्या करना है, आपने सीलिंग की तरफ देखते हुए एक्सहेल करना है लाइक इन दिस वे। और ये एक्सरसाइज आपने 1 मिनट तक करनी है। मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई हैं वो आपने सारी 1 मिनट तक करनी है एंड बाय डूइंग दीज एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, इसको आप घर में किसी भी टाइम कर सकते हैं, इवन एट योर वर्क प्लेस यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस इजीली एंड दीज एक्सरसाइज आर गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स एट द एंड। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द अच्छा बच्चा चैनल। दुआओं में याद रखें, हाफिज़।